फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर फिफ्टीन से स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस अब मैंने यहाँ यहाँ आपको बताया था कि अगर हमें क्रॉप की जो हिल्स है उसका इंप्रूवमेंट करना है तो ऐसे थ्री स्टेज में से पास होना पड़ेगा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट अब हमें डायरेक्टली हमें जाना है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और हमें जो डायरेक्टली जो हमें लर्न करना है हमारा सिलेबस में जो टॉपिक है वो है मैन्यर जो आगे के जो टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है ठीक है लेकिन उसमें से जो भी अगर कुछ आए भी है तो वो मैं आपको बता दूँगा लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में उसकी बात है वो मैंने की थी ठीक है अब हम मेन्यर लर्न करते हैं ठीक है मेन्यर क्या है और शायद आपको याद होगा हमने सेमेस्टर वन में हमारी फर्स्ट टर्म में मेन्यर और फर्टिलाइजर है वो रीड किया था फिर भी हम वापस लर्न कर लेते हैं मैन्योर कंटें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाईज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द स्मॉइल अब जो हमारा मैन्योर होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मेटर्स होती है ठीक है अब क्या होता है कि सोईल होती है और फिर सोइल के सोयल में कोई एनिमल्स है प्लांट्स है तो उसका जो भी कोई वेस्ट होता है कोई भी वेस्ट होता है वो एक साथ एक जगह पे रखा जाता है और थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हैं फिर बाद में धीमे धीमे वो प्रोसेस में मैन्य है वो अपने आप बन जाता है सो so, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होती है और फिर उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है वो स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा ओके मैन्यूर इज प्रिपेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सरिया एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। अब एनिमल का है या प्लांट का है कोई भी वेस्ट है वो डिकम्पोज होने के लिए एक साथ एक जगह से रख देते हैं ठीक है हेल्प्स इन एन रिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिय एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी अब इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मैन्यूअर से तो ये इसका बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है ठीक है द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मेटर इन मैन्यूर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर अब इससे क्या होता है कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है तो ये तो अच्छी बात है दिस इनवॉल्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्ट अब इसमें वाटर को स्टोर करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है तो ये भी अच्छी बात है इन क्ले सॉइल्स द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मेटर हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड एन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग अब क्या होती है कि अगर कोई सोयल ऐसी होती है बहुत ही कैसे ना वो वाली बहुत ही पतली होती है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है अगर वो ज़्यादा है तो वो जो वाटर का जो हम वाटर को अवॉइड करते हैं यानी वाटर है वो इकट्ठा नहीं होता है वो चला जाता है तो उसमें भी वो हमें हेल्प मिलती है इन यूजिंग मेन्यूर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग एनवाइ फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फॉर्म वेस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यूज मेन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है वो है अगर कोई केमिकल है बाहर से तो केमिकल से ये हमें प्रोटेक्ट करता है सो so, इसलिए हमें सोइल में जो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका हमें रीसाइकल करना चाहिए रीसाइकल करने से हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती है और यहाँ पे हम मेन्योर को और मेन्यर को छोटे छोटे जो उसके जो पार्ट है हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट ये एक प्रकार का मेन्यूअर है और ये भी है ग्रीन मेन्यूअर तो हमें ये दोनों रीड करना है और ये आई है ठीक है द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा एंड वेजिटेबल वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट एनिमल री रिफ्यूज डोमेस्टिक वेस्ट सेवेज वेस्ट स्ट्रो एडेडिकेटेड वेस्ट एक्सेट्रा इज डी इन पीट्स नॉन एज कम्पोसिंग अब मैं आपको बताता बताऊँ कि यहाँ पे क्या कहा गया है अब ये जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग प्रोसेस उसमें क्या होता है कि जो जो कोई भी जो हमें नहीं चाहिए ऐसे जो कोई भी मटेरियल है यानी कोई एनिमल्स ले लीजिए ठीक है कोई वेजिटेबल से उसकी उसकी छाल उसको ले लीजिए कोई स्ट्रो ले लीजिए या फिर एनिमल को जब हम फूड देते हैं ठीक है तो वो सब एक जगह एक गड्ढे में स्टोर करते हैं और फिर उसको सड़ने के लिए वहाँ पे ही रख देते हैं और फिर ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग ठीक है द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट अब क्या होता है कि हमें भी पता है कि अर्थ फॉर्म से वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सोइल को अंदर से उसको डीकम्पोज कर देते हैं यानी सोइल हल्की हो जाती थी है ठीक है उसमें बीच में जगह हो जाती है तो फिर वो जो कंपोस्ट वो बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट एंड द लास्ट वन है ग्रीन मेन्यूअर प्रायर टू दोइिंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सम हेम्प और गु और आर ग्रोन एंड धैन मल्सड बाई प्लगिंग धैम इन टू द सोइल अब क्या होता है कि अगर हम कोई भी क्रॉप सेव लगाए तो उससे पहले यहाँ पर हम क्रॉप के सीड्स लगा सकते हैं या फिर प्लांट्स लगा सकते हैं लाइक हेम्प है गुआर है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम ग्रो करने के लिए हम उसको लगाते हैं फिर उसके ऊपर हम उसको फिर उसको प्लगिंग करते हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद उसको हमें सोइल के साथ मिक्स कर देना है और फिर वो धीमे 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 वो ग्रीन मेन्यून में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है और हाँ इसमें से जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है तो वो भी मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है ठीक है अब है फर्टिलाइजर्स ठीक है फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम अब यहाँ पे फर्टिलाइजर है वो कॉमर्शियली प्लांट न्यूट्रिशन में है ठीक है फर्टिलाइज़र से वो नाइट्रोजन फॉस्फरस और पोटेशियम वो सभी सप्लाई करते हैं यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास मैन्यर है वो तो सोयल के ऊपर फार्म नहीं बनता है ठीक है लेकिन अगर आपकी जो सोइल है वो फर्टिलाइज नहीं होती है ठीक है पूरी तरह से तो हमें बाहर से अलग से फर्टिलाइजर्स है वो ऐड करने पड़ते हैं और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उसमें कौन से कौन से होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ लीव्स ब्रांचेस एंड फ्लावर्स गिविंग राइज टू हेल्थी प्लांट्स एंड फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन हायर हिल्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग अब क्या होता है कि अगर हम उसके Uh, हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें तो क्या होता है कि जो उसके जो लीव्स होते हैं ठीक है क्रॉप्स के प्लांट्स uh, के जो लीव्स होते हैं तो वो सभी क्या करते हैं ब्रांचेस होती है तो सो so वो सभी अच्छे से ग्रोथ होती है और ग्रोथ होती है इसलिए हमें जो जो कोई भी हमें वनस्पति है वो मिल रही है तो वो अच्छे से में मिलेगी उसका आउटपुट हमें अच्छे से मिलेगा लेकिन हाँ अगर ये आपको बाहर से एड करना है तो ये आपको थोड़ा तो पड़ेगा। फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉस्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इगेशन एंड आर नॉट फूली एब्सॉब्ड बाई द प्लांट्स दिज एक्सिस फर्टिलाइजर धैन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन अब क्या होता है कि फर्टिलाइज़र से अगर उसका यूज़ करें अगर प्रॉपर टाइम में तो क्या होता है कि हमें उसको प्रिकॉशन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर हमें इरीगेशन का भी ध्यान रखना है ठीक है इरिगेशन का भी ध्यान रखेंगे तो वाटर का जो पोल्यूशन है वो हमें कम करना चाहिए क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है तो ये उसका रीज़न बन जाता है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ कि जो हमारी जो सोइल है उसकी जो फर्टिल होती है वो उसको कम कर देता है ये फर्टिलाइजर्स तो ये भी हमें याद रखना है और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल सकते हैं और जो ये पूरा जो साइकिल जो चलती है वो डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए हाँ लेकिन एक बात है अगर कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो फर्टिलाइज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन है ठीक है तो ये हमें फर्टिलाइज़र से वो याद रखना है अब यहाँ पे थोड़ा और है मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स अब कोई भी कार्बनिक मटेरियल है कोई भी फार्मिंग में मटेरियल है तो जो हम बाहर से कोई केमिकल्स डालते हैं या फिर कोई पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो क्या होता है कि आ, जो उसमें जो कोई भी इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं ठीक है ठीके? और फिर आ, हमें स्टोर करने के लिए जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है ठीक है ये एक अलगी का नाम है ब्लू ब्लू ग्रीन अलगी ठीक है ये अलगी का एक नाम है तो इससे क्या होता है कि इसको अगर हमें प्रिपेयर करना है तो क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसे बायोपेस्टिसाइज में अगर हमें ऐड करना है तो हमें वहाँ पे स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे जगह मिलेगी ठीक है और यहाँ पे दिस क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बीस प्रोविंग प्रोवाइडिंग न्यूट्रिय तो हमें जब जब ये प्रोसेस करनी होती है इन फर्टिलाइजर्स में पूरे फर्टिलाइजर्स में तो हमें ये सारी बात है वो हमें अच्छे से याद रखनी है कि हमें कौन कौन से अंदर से एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए इरिगेशन का ध्यान रखना चाहिए सोइल की फर्टाइल है उसका ध्यान रखना चाहिए फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक मटेरियल है तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो ये सभी बातें हमें अच्छे से याद रखनी है ओके और नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिगेशन के पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे ठीक है सो आप इतना है वो फिर से एक बार रीड कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ओके थैंक यू